10 सेकंड पहले तुम्हारे घर के गेट के बाहर मेरी गाड़ी रुकी है, मैं हूँ उसमें और तुम्हें लेने आया। अभी क्या अभी बाहर आऊँ? भाग के लिए जैन बस कर दो, तुम्हें क्या हो गया? रात का 1 बजा, मैं इस वक्त बाहर नहीं आ सकती। रात का 1 बज रहा हो या 2 बज रहे हैं? मैं कुछ जुर्म नहीं कर रहा, कोई गलत काम भी नहीं कर रहा। मेरी बीवी हो तो मैं लेने आया हूँ, तुम्हें डेट पे ले जाने के लिए नहीं आया, घर ले जाने के लिए आया। हाँ तो मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। देखो इतना ना मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब तुम कुछ खुशी से नहीं कह रही, जानता हूँ मुश्किल में हो तुम भी। नींद नहीं आ रही, फोन को देख रही थी बार बार, वरना पहली बेल के बाद ना फोन नहीं उठाता है। जाहिर है जैन, ये फैसला करना इतना आसान नहीं था। अरे तो तुम क्यों डाल रही हो खुद को मुश्किल में? हाँ देखो यार, बात को समझो मेरी। पता है सुबह से कुछ खाया नहीं। हाँ तो क्यों नहीं खाया खाना? तुम्हें किसने रोका है? तुमने खा लिया? हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ। सुबह मैंने बाबा के साथ नाश्ता भी किया था, दोपहर को खाना भी खाया था और अब डिनर भी कर लिया मैंने। बड़ी जालिम निकली यार तुम। सो यहाँ तुम दूर हो तो मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा है। और तुमने क्यों? सही है तुम घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। सुबह अगर तुम बाहर नहीं आई, अभी मेरे साथ नहीं चली, तो तुम्हारी कसम खा रहा हूँ मैं यही तुम्हारे घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा, क्योंकि गाड़ी में नहीं मैं रोड पे बैठा रहा हूँ। तुम जिद कर रहे हो जैन। तुम हमेशा से मेरी जिदी हो सुबह, और अगर इस वक्त तुम्हें लगता है कि मैं जिद कर रहा हूँ तो सही, जिदी सही। ठीक है तो फिर मेरी भी जिद है कि मैं तुम्हारे साथ हर किस घर नहीं जाऊंगी। तुमने जो हरकत की है ना जैन, काबिले माफी नहीं है। पता है सुनो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, गलती हुई है और सजा भी मिलनी चाहिए। इस हाल में तकलीफ पहुंचाई ना तुम्हें तो इसे सजा भी मिलेगी और अभी मिलेगी। जैन तुम क्या कर रहे हो? सुमी बेटा इस वक्त कहाँ जा रही हो? बाबा जान वो जैन बाहर खड़ा है। इतनी रात गए? वो मुझे लेने के लिए आया, अगर मैं नहीं गई तो वो खुद को जख्मी कर लेगा। जज्बाती लड़का ना समझ, ये फिल्म है या ड्रामा? तुम जाना चाहती हो उसके साथ? बाबा वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। ठीक है लेकिन ये कोई तरीका नहीं है इतनी रात को किसी के घर के बाहर आकर और इस तरह ड्रामा क्रिएट करना। जाओ वो कहीं खुद को जख्मी ना कर ले। जाओ बाप। जाओ मैं कुछ नहीं करूंगा।